आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। देहरादून में ट्रेन से कटकर युवक की मौत। पुलिस के अनुसार कल देर रात सूचना मिली कि एक व्यक्ति माता मंदिर फाटक से 100 मीटर की दूरी पर मृत पड़ा है। सूचना पर थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस मौके पर पहुंची तो माता मंदिर फाटक से 100 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति ट्रेन से कटा पड़ा मिला। बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले का पर्दाफाश करने वाले पंकज लांबा की गोली लगने से मौत। उत्तराखंड में बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले का पर्दाफाश करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता पंकज लामा की गोली लगने से मौत हो गई। घटना हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली के सुमन नगर क्षेत्र में घटी, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। हत्या की आशंका जताई जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि नाबालिग द्वारा राइफल देखने के दौरान गोली चली जो कि पंकज लामा को लगी और उनकी मौत हो गई। हल्द्वानी पुलिस ने किया लूट और चोरी की घटना का खुलासा, नकदी और माल बरामद। हल्द्वानी पुलिस ने ट्रक चालक से नकदी लूटने और जजी कोर्ट परिसर से जज के घर से चोरी के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर सहित 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर चोरी की रकम और चोरी किया हुआ माल बरामद किया है। सीओ ने खुलासा करते हुए बताया कि मंडी क्षेत्र में ट्रक चालक से लूट करने वाले और उससे पूर्व जज के घर से LED और सोने के आभूषण सहित नकदी व अन्य सामान चोरी करने वाले इन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर जब पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया। JP नड्डा पहुंचे देहरादून, विधायकों और कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। अपने 4 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज देहरादून पहुंचे। हरिद्वार से देहरादून आते समय जगह जगह सड़कों पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र, राजपुर विधानसभा क्षेत्र, मसूरी विधानसभा क्षेत्र और कैंट विधानसभा क्षेत्र के विधायकों ने भी उनका भव्य स्वागत किया। भोटिया जनजाति की विशेष पगड़ी पहनाकर किया गया बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा का स्वागत। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा का 4 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आए हैं। शुक्रवार को उन्होंने हरिद्वार में साधु संतों से मुलाकात की थी। इसके बाद शनिवार को वे देहरादून पहुंचे, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। राजाजी पार्क से निकलकर हरिद्वार के मंदिर में घुसा गुलदार। जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों में आना लगातार जारी है। हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया के मंदिर में गुलदार घुसने से हड़कंप मच गया। पुजारी ने वन प्रभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची वन प्रभाग की टीम गुलदार को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक वन प्रभाग की टीम को गुलदार को पकड़ने में सफलता नहीं मिली। कांग्रेस ने धारा 144 लगाने का किया विरोध, कहा ग्रामीणों के हक हकूकों के कुचलने की कोशिश। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के दायरे में प्रशासन ने धारा 144 लगाई है, जिसका विरोध होने लगा है। कांग्रेस कार्यकर्ता अपना विरोध जाहिर करते हुए कीर्तिनगर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप धारा 144 हटाने की मांग की है। 2021 कुंभ मेले को लेकर मुख्य सचिव ने ली बैठक, दीपक रावत समेत कई अधिकारी हुए शामिल। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में शनिवार को सचिवालय में कुंभ मेला 2021 के संबंध में बैठक संपन्न हुई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को कुंभ से संबंधित कार्य को ससमय पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को उनके कार्यों की दूसरी किस्त के लिए शीघ्र डिमांड भेजे जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट एवं डिमांड सोमवार तक शासन को उपलब्ध करा दी जाए, ताकि दूसरी किस्त शीघ्र जारी की जा सके। उन्होंने प्रत्येक शनिवार को हरिद्वार में एवं प्रत्येक सोमवार को सचिवालय में इस संबंध में बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए। सिद्धबली महोत्सव का पहला दिन एकादशी कुंडीय यज्ञ का हुआ आयोजन। कोटद्वार के प्रसिद्ध सिद्धबली मंदिर की महत्ता कोटद्वार ही नहीं बल्कि मेरठ, दिल्ली, बिजनौर सहित उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में फैली हुई है। श्रद्धालु दूर दूर से बाबा के दर पर अपने माथा टिकाने पहुंचते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जलीय जीवों की गणना का कार्य शुरू। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जलीय जीवों की गणना का काम शुरू हो गया है, क्योंकि बरसात के वक्त गंदे पानी की वजह से गणना सही नहीं हो पाती थी, इसलिए दोबारा गणना की जा रही है। हरिद्वार, ग्राहक बनकर आए और 80,000 के जेवर उड़ा ले गए। सराफा की दुकान में ग्राहक बनकर घुसी दो महिलाओं समेत 3 ठगों ने 80,000 के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने सराफा की तहरीर पर ठगों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाल कर ठगों की तलाश शुरू कर दी है। बादशाहपुर गांव के मुख्य मार्ग पर दीपक की ज्वेलर्स की दुकान है। 30 नवंबर की सुबह दुकान में दीपक का बेटा सुषार बैठा था। सुबह 11 बजे दो महिलाएं और एक पुरुष ग्राहक बनकर दुकान में आए और सुषार को सोने और चांदी के नए डिजाइन के जेवर दिखाने की मांग करने लगे। उसने महिलाओं को काफी जेवर दिखाए। महिलाओं के साथ पहुंचे पुरुष ने
शिवसार को अपनी बातों में उलझाए रखा। इसके बाद महिलाएं जेवर पसंद नहीं आने की बात कहकर दुकान से चली गई और उनके पीछे पुरुष भी चला गया। दीपक के मुताबिक जब वह दुकान पर पहुंचे और देखा तो 80,000 रुपए के कीमती जेवर गायब थे। 9 दिसंबर को होगा उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई शुरू करने पर फैसला। कोविड काल में उत्तराखंड में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ाई शुरू करने पर सरकार 9 दिसंबर को फैसला करेगी। 9 दिसंबर को प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक में इसका प्रस्ताव आएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। कोटद्वार पाटीसैंण से थापी जा रही मैक्स अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त, 2 लोगों की मौत, 3 गंभीर घायल। कोटद्वार में एक मैक्स अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पाटीसैंण से थापली जा रही एक मैक्स अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि वाहन में चालक समेत कुल 5 लोग सवार थे, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई है।